अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है तुम। आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। फ्रेंड तो ये मैंने आलिया भट्ट गंगूबाई का मेकअप किया है, तो ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप मुझे कि ये मेकअप मैं कर पाई हूँ कि नहीं। तो चलिए मैं ये मेकअप को रेडी कर दी हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले गुड वाइब्स का टोनर लिया है, अपने फेस पे अप्लाई किया, फिर इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाया है। और हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा कि ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और अच्छा लगा वो वीडियो, मेरे वीडियो अच्छे लगते हो और मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने अच्छे से मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लिया, फिर इसके बाद प्राइमर मैंने लगाया है। जैसे कि मुझे उनका जो आलिया भट्ट जी का जो मेकअप है, जैसा मुझे लगा है कि मैं ऐसा मेकअप है तो मैं वही लगा रही हूँ। और मुझे नहीं लग रहा था कि इस मेकअप में कोई ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत है, तो इसमें कुछ भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। यहाँ मैंने ड्वर का फाउंडेशन लिया, अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया। इसमें फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा आ गया था तो मैंने फेस पे ही लगा लिया, नेक पे और ईयर पे, मतलब मैंने फिर डाला नहीं उस पर, मैंने फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया था तो अच्छे से मिला लिया था एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। फिर इसके बाद मुझे यहाँ कंसीलर की ज़रूरत नहीं हुई फ्रेंड, क्योंकि मुझे ये लग रहा था फाउंडेशन मेरा जो ब्लैकपन था तो वो मतलब इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने कंसीलर का यूज़ नहीं किया। फिर एन वाई का मैंने कम्पैक्ट से फाउंडेशन को शेड कर लिया। फिर इसके बाद कंट्रोलिंग कर ली है, तो आप लोग भी फ्रेंड बताइएगा कि मेरा उस तरह मेकअप हो पाया कि नहीं। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश की हूँ कि मैं आलिया भट्ट जी जैसे मेकअप कर पाऊँ। फिर इसके बाद यहाँ कोई आई में कोई ज़्यादा मेकअप तो था नहीं उनके, तो यहाँ मैं एक शेडो, बस एक लुक दिखाने के लिए आई में अच्छा लगे, बस एक शेडो का उपयोग किया है। और फिर इसके बाद मैंने आईब्रो अपनी फिल कर ली थी और मोटी रख रखी, जैसे कि आलिया भट्ट जी की जो थी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा इसमें मोटी हैं, तो मैंने भी मोटी आईब्रो कर रही थी। फिर इसके बाद चिक में ब्रश लगा लिया है, ज़्यादा डार्क नहीं किया था मैंने, जो ब्रश लगाया था चिक पे, मतलब इस मेकअप में काजल और जो ज़्यादा दिख रहा है बिंदी, तो इसलिए मैं यहाँ पे लैक्मी का काजल ले रही हूँ और अच्छे से मोटा सा लगाऊंगी। और यही काजल को जो आँखों के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी, जो आँखों का लुक है उनकी तरह दिखे, तो अच्छे से मोटा मोटा काजल लगा लूँगी। काजल अप्लाई करने के बाद यहाँ मैं लैक्मी 925 का मस्करा अप्लाई करूँगी, अच्छे से इसको भी लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ कोई भी मतलब फेक पलके नहीं लगाई हैं मैंने, और यहाँ सिर्फ मस्करा लगा लिया मैंने। और इसके बाद आउटलाइन लगा लिया है, जैसा मुझे लग रहा है कि वो लिपस्टिक लगाई हैं वैसी कलर की मैंने लिपस्टिक लगा ली है। और रेड कलर की लिपस्टिक से मैंने बिंदी बना ली है बड़ी सी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बिंदी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने इतनी बड़ी बिंदी मतलब लिपस्टिक से बना ली है। फिर इसके बाद एक आउटलाइन लेके उसका शेप अच्छा सा दिया मैंने, एक आउटलाइन रेड कलर का लिया मैंने, लिप पेंसिल को लिया है और अच्छे से बिंदी को वो कर दिया कि फैले नहीं आवा। फिर इसके बाद जो उनके मतलब गालों पे वो बना था, क्या बना था, निशान था, वो मैंने आईलाइनर से निशान बना लिया जैसे उनके गालों पे था। तो इसके बाद नोज पिन पहन ली है और फिर इसके बाद इयर रिंग लगा लूँगी, और मेरे पास ये इयर रिंग थी तो मैंने ये इयर रिंग डाल ली थी कि मुझे इसके बाद मैं अपने बालों को बांध लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, ये लुक को रेडी हो गया, तो ये लुक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए बाय बाय।